हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं पीजीबीपी फ्रॉम आर वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड चार्ट बुक। ठीक है, चार्ट बुक से रिवीजन करते हैं इसका। चार्ट बुक आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आर वेबसाइट। पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर्स में इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपके रिविजन पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल टूल है ये, राइट। ऑलमोस्ट 34 पेजेस में मैंने सारी चीज़ें इसमें इनकम टैक्स की कवर की हैं, इंक्लूडिंग योर अमेंडमेंट्स, जो भी हमारे May 24 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, ऑल अमेंडमेंट्स आर ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड, करेक्ट। आराम से आप बहुत जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। मैं चाहूँगा इसको आप मल्टीपल टाइम्स अपने रिविजन पर्पज़ के लिए यूज़ करते रहिएगा, आपका रिविजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पीजीबीपी। सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर मैंने सेक्शन वाइज लिख भी दिया है कि कौन कौन से सेक्शन पीजीबीपी में आते हैं। कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर मैंने लिख दिया है फॉर सीएमए एंड सीएस, वो सीए इंटर के लिए नहीं है, वो सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स और सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ओके। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन। आपको पता है चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन कहता है कि कौन कौन सी इनकम हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाए होने वाली अंडर सेक्शन 28। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इनकम इज पीजीबीपी। सेकंड, अगर आपको गिफ्ट्स या परक्यूजिट्स मिल जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर देखिए, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से, याद कीजिएगा वो सैलरी इनकम होती है। ठीक है, अगर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अदर पर्सन से, वो हमारी IFOS की इनकम बन जाती है, करेक्ट। अगर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो गिफ्ट हमारे पीजीबीपी की इनकम बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट है नॉन कॉम्पिटिंग फीस। कॉम्पिटिशन ना करने के अगर आपको पैसे मिलते हैं, अगेन पीजीबीपी की इनकम। सम रिस्की अंडर कीमन इंश्योरेंस। कीमन आप लोग समझते हैं क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके ऊपर बिजनेस एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, अगर उसको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें क्लेम मिल जाएगा। तो इन दैट केस कीमन हमें तीन जगह पर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इज सैलरी, अगर इंप्लॉय को ये पैसे मिलते हैं तो उसकी सैलरी इनकम बन जाती है। अगर अदर पर्सन को मिलते हैं तो उसकी IFOS की इनकम बन जाती है। और थर्ड, अगर खुद बिजनेस को मिल जाएं ये पैसे तो उनकी इनकम पीजीबीपी की बन जाएगी। तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जनरली जो प्रीमियम पे करता है उसी को मिलता है, तो जनरली वो बिजनेस को ही मिलता है तो वो उनकी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। बट अगर वो बिजनेस खुद ना रख के अपने एम्प्लॉय को दे देता है तो सैलरी इनकम, अदर पर्सन को देता है तो IFOS की इनकम बन जाएगी, जिसको भी ये पैसे रिसीव होंगे। नेक्स्ट होता है स्टॉक कन्वर्टेड इंटू कैपिटल एसेट। देखो, आपके पास एक स्टॉक था, स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल असेट, पीजीबीपी की इनकम होती है। और इसका बिल्कुल अपोजिट हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, जब हमारा कैपिटल असेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टॉक, तो उस समय हमारी कैपिटल गेन की इनकम होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए ओरिजिनल क्या था, वर्कर ओरिजिनल स्टॉक था, सिंपल है, स्टॉक किसमें बेचते हैं, अपने बिजनेस में। तो स्टॉक को कन्वर्ट किया तो पीजीबीपी, कैपिटल असेट को कन्वर्ट किया तो कैपिटल गेन। ठीक है, तो पीजीबी में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जिस दिन हमने उसको कन्वर्ट किया उसी दिन हम आपकी पीजीबीपी की इनकम अराइज कर देंगे। फेयर मार्केट वैल्यू जो भी स्टॉक की होगी, दैट विल बी योर पीजीबीपी की इनकम, राइट। कैपिटल गेन में थोड़ा चेंज है। कैपिटल गेन में क्या होता था, जब हम अपने कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते थे तो कैपिटल गेन अराइज तो होता था, बट अभी हम उसको टैक्सेबल नहीं करते थे, उसको टैक्सेबल करते थे जब वो एक्चुअली हम सेल आउट करते थे। ठीक है, वो बात हम कैपिटल गेन के रिविजन में भी कर लेंगे, बट दिस इज स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, राइट। नेक्स्ट होता है पार्टनर्स को, अगर पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलती है फ्रॉम देयर पार्टनरशिप, फ्रॉम पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, वो उनकी पीजीबीपी की इनकम बन जाती है। और इसको बातें डिटेल में भी सेक्शन 40 स्मॉल बी में भी मेंशन है, वहां पर भी रिवाइज कर लेंगे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, आपको कोई भी कैश इंसेंटिव्स मिल जाता है, या फिर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, या फिर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हमने बेच दिया उससे जो हमें प्रॉफिट होता है, तो दैट इज अगेन टैक्सेबल एज पीजीबीपी की इनकम। कंपनसेशन ऑन ब्रीच ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, उसके टर्म्स और कंडीशंस हमने मॉडिफाई कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, उस समय जो पैसे मिलते हैं, अगेन इट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। और लास्ट है यहाँ पर जो हमारे 35AD के असेट्स होते हैं, मेनली 35AD क्या होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस, जो 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं उसमें असेसी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% की डिडक्शन ले लेता है। ठीक है, अगर वो अपने असेट्स को जब आगे कभी भी बेचता है तो उसके जो आने वाली इनकम है, दैट इज अगेन टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है, याद आ गया आपको पूरा चार्जिंग सेक्शन 28। नेक्स्ट होता है सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। हम अपने पीजीबीपी की इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं,
तो सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट को बेस बनाइए। अगर हमारे पास पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है तो हमारा नेट प्रॉफिट को अपना बेस बनाइए। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस 30 से लेकर 37 में कवर्ड है तो वी आर ओके विद इट, बट अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो 30 से लेकर 37 में अलाउ नहीं होता, हम उसको ऐड बैक कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट लिखना, सेकंड स्टेप होता है अपने एक्सपेंसेस देखना कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस डेबिटेड हैं, अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो अलाउ नहीं होना चाहिए उसको ऐड बैक कर देंगे। थर्ड स्टेप होता है अपनी इनकम की साइड देखना। हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी इनकम जो सेक्शन 28 में कवर्ड होती है वो पीजीबीपी की इनकम होगी, या फिर इनफैक्ट अगर वो 41 में भी कवर्ड होती है, डीम बिजनेस इनकम होती है, तो वो भी पीजीबीपी की इनकम होगी। बट अगर हम क्रेडिट साइड में ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसी इनकम है जो दूसरे हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, या फिर कैपिटल गेन में होनी चाहिए, अदर सोर्सेज में होनी चाहिए, मतलब दूसरे हेड में, तो हम उसको वहां से हटा देते हैं, करेक्ट, उसको लेस कर देते हैं। या फिर हम अपनी क्रेडिट साइड में देखते हैं कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, अगर वो एग्जेम्प्ट इनकम है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम है, तो हम उसको वहां से हटा देंगे, राइट। तो इसमें लेस कर देते हैं इनकम क्रेडिटेड बट नॉट कवर्ड बट कवर्ड अंडर अदर हेड, वो दूसरे हेड में कवर्ड थी उसको हटा देंगे, या फिर अगर एग्जेम्प्ट थी तो उसको भी हटा देंगे, राइट। फिर हम अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, क्या हमें इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी इनकम दी गई है जो हमारी पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए बट हमारे पीएनएल अकाउंट उसको कवर नहीं कर रहा। तो अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो पीएनएल अकाउंट में तो नहीं है बट हमारी इन्फॉर्मेशन कहती है कि वो इनकम हमारी पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए, तो उसको भी अपने कंप्यूटेशन में ऐड कर लीजिएगा। या फिर आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो हमने क्लेम नहीं किया हुआ था बट उस एक्सपेंस को 30 से लेकर 37 में कोई भी सेक्शन उसको अलाउ करता है, तो उस एक्सपेंस को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। दिस इज हाउ वी कंप्यूट सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। उसके बाद हमारे मेन सेक्शन शुरू होते हैं, सेक्शन 30 से लेकर 37 क्या होते हैं। सेक्शन 30 से लेकर 37 दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर अलाउड वाइल कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी की इनकम। जब भी आप पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हो तो सेक्शन 30 से लेकर 37 वाले एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। सेक्शन 30 कहता है बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो आप बिल्डिंग अपने बिजनेस में यूज करते हो, अगर उसको आप रेंट पे कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो उस बिल्डिंग के, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं, रिपेयर्स करा रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपके एक्सपेंसेस सेक्शन 30 में अलाउड होते हैं, ठीक है। पर्सनल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो। हाँ, अगर पार्टली बिजनेस है पार्टली पर्सनल है तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, जितना आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है हम सिर्फ उतना ही एक्सपेंस उसको अलाउ करने वाले हैं। नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता। नोशनल रेंट क्या होता है, अगर हम उसी बिल्डिंग के खुद ही उसके ओनर हैं और हम खुद ही बोलते हैं कि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसका नोशनल रेंट होता, दैट इज नॉट अलाउड। एक्चुअल रेंट अलाउड होता है, राइट। और रेट्स एंड टैक्सेस अगर आपने बिल्डिंग के पे किए, सेक्शन 30 में अलाउ तो होते हैं बट सब्जेक्ट टू 43B। 43B सेक्शन बोलता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू फॉलो, कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हो, बट सेक्शन 43B में जो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं वो सिर्फ अलाउ होते हैं ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया या फिर इवन ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक भी पे कर दिया तो हम उसको अलाउ कर देते हैं, अगर आपने पे नहीं किया तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, एक एमएसएमई एक और अमेंडमेंट आई है 43B में, वो मैं करा दूंगा। वो ड्यू डेट नहीं कहती, वो अपनी कुछ अलग डेट कहती है, अभी मैं 43B में भी उसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। याद आ गया आपको सेक्शन 30। सेक्शन 31 होता है अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी या अपने फर्नीचर की जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अगर आपने उसकी रिपेयर कराई है, रिपेयर ये रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, राइट। अगर आपने उसकी रिपेयर कराई है या फिर आपने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का या फर्नीचर का, तो अलाउड होता है सेक्शन 31 में, ठीक है। अगर आपने रेंट पे किया है अपने प्लांट मशीनरी या फर्नीचर का, तो क्या सेक्शन 31 में अलाउड होता है। 31 में सिर्फ दो एक्सपेंसेस हैं एक्चुअली, रिपेयर्स के और इंश्योरेंस के। अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट की डिडक्शन मिल जाती है, बट 31 में नहीं मिलती, वो 37 में मिल जाती है, अदरवाइज हाँ डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको सेक्शन भी याद ना रहे तो प्लीज याद कर लीजिएगा, डिडक्शन तो मिल जाएगी, करेक्ट। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट अच्छा खूबसूरत सा सेक्शन आता है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जनरली हम WDV मेथड फॉलो करते हैं, SLM मेथड हम फॉलो नहीं करते या कोई और मेथड फॉलो नहीं करते, बट हाँ सिर्फ SLM अलाउड होता है जो लोग पावर जनरेटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट, उनके पास ऑप्शन होता है, जनरली वो SLM फॉलो कर सकते हैं, अगर वो WDV चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी बातें एक मिनट की बात करूंगा। बट सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन जनरली WDV मेथड ही यूज करते हैं, और WDV मेथड जब यूज करते हैं तो ब्लॉक ऑफ असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होता है, सेम कैटेगरी ऑफ असेट्स विद सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। जैसे बिल्डिंग एक कैटेगरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी दूसरी कैटेगरी हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स तीसरी कैटेगरी होगी, इंटेंजिबल असेट्स अलग कैटेगरी हो गई है, राइट। और इस कैटेगरी में भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल जो जिसके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जनरली हम लोग बिल्डिंग्स के लिए जानते हैं 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं,
रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर 5% होता है, टेम्परेरी बिल्डिंग्स के ऊपर 40% होता है, राइट। तो जितना भी 10% वाली बिल्डिंग है उसको एक ब्लॉक बनाएंगे, जितना भी 5% वाली बिल्डिंग है उसका दूसरा ब्लॉक बना देंगे, करेक्ट। तो हम ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं WDV मेथड से, इंडिविजुअल असेट्स पर नहीं करते। SLM पर इंडिविजुअल पर हो जाता है पावर जनरेटिंग पर, बट WDV मेथड जब कभी भी यूज करते हैं इट शुड बी ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स। फिर क्या आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो क्या हम 32 में ऐसा करते हैं कि हम अगर मैंने 11 मंथ्स यूज किया, 9 मंथ्स यूज किया, 10 मंथ्स यूज किया तो हम इतना डेप्रिसिएशन लगाते हैं? द आंसर इज नो। हमेशा डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में या तो पूरा का पूरा लगता है फुल, या फिर हाफ लगता है, या फिर लगेगा ही नहीं। जनरली हम हाफ कब लगाते हैं डेप्रिसिएशन, 50% डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमने सेम ईयर में उसको एक्वायर किया हो और उसको यूज किया हो फॉर लेस देन 180 डेज। अगर हमने उसको 180 डेज से कम यूज किया है तो हम उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं, राइट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो आज तक यूज ही नहीं हुआ है, अभी तक हमने उसको यूज ही नहीं करा है, तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, राइट। उसको हमने फॉर एग्जाम्पल इस साल एक्वायर तो किया, एक्वायर किया तो ब्लॉक का पार्ट तो बन जाएगा, बट हमने उसको यूज नहीं किया, एंड ऑफ द ईयर तक भी यूज नहीं किया, तो उस केस में उसके ऊपर ब्लॉक का पार्ट तो बनेगा बट उस असेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद आ गई ये बात भी। और अगर जैसे मैंने बताया कि असेट इज नेवर पुट टू यूज, तो डेप्रिसिएशन मत लगाइएगा। हाँ, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, अगर वो असेट पुट टू यूज नहीं हुआ बट उसका पैसिव यूज हो रहा है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, ठीक है, वो हम लोग खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे उस बिजनेस में उस साल फायर हो जाए या फिर आग लग जाए, तो हम जरूरी नहीं है, बट हम उसको फिर भी खरीदते हैं, ठीक है, उसका वो वहां पर रखी हुई है, उसका मतलब उसका पैसिव यूज हो रहा है, जैसे स्टैंड बाय मशीन्स होती हैं, राइट। तो हम कैसे लगाते हैं डेप्रिसिएशन, हमारा कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या, क्या फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ओपनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक रखते हैं, जितना भी हमने एडिशन किया ड्यूरिंग द ईयर वो हम लोग ऐड करेंगे, जितना भी अगर हमने कुछ भी असेट को सेल करा है, डिस्कार्ड करा है, अगर वो चला गया है हमारा असेट, और हमें जो भी पैसे मिलते हैं उसके ऊपर, जो भी हमें पैसे मिले मनी रिसीव्ड ऑन सेल या डिस्पोजल, उसको माइनस करेंगे और इस वैल्यू जो आपके पास आती है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल नील आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे WDV की वैल्यू ही नहीं बची है, राइट। या फिर अगर हमने पूरा का पूरा ही ब्लॉक बेच दिया, पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया है तो भी हम उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास एंड ऑफ द ईयर में ब्लॉक नहीं रहा है, राइट। तो अगर हमने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया तो उस केस में सेक्शन 50 जो कैपिटल गेन का सेक्शन है, वहां पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो सकता है, करेक्ट। बट हाँ, अगर पूरा का पूरा ब्लॉक बिक गया है तो डेप्रिसिएशन मत लगाइएगा। एक कंसेप्ट होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, प्लस पर प्लीज याद कर लीजिएगा, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए होता है। अगर आपका SSC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट उसको नहीं मिल पाएगा, राइट। इट इज ओनली फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जहां जहां पर मैंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम लिखा है इसका मतलब वो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट वालों के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है इसका मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो दोनों रिजीम के लिए सेम है। तो जहां जहां पर आपको मिलेगा ना अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो वहां समझ जाएगा ये कंसेप्ट, ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए ही है, ओके। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर नहीं मिलता है ये। अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं और उसको अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। कितना, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसका 20% एक्चुअल आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। बट हाँ, इस पर एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, अगर वो असेट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको देना है बट वो इस साल आपने एक्वायर किया था और यूज हुआ है वो 180 डेज से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस केस में उसके ऊपर हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 10%, और बाकी का 10% हम उसको नेक्स्ट ईयर में लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए SLM मेथड फॉलो होता है, और यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं बनते, यहाँ पर इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और इसके रेट्स सेम रेट्स नहीं होते जो हमारे पास रेट्स हैं, जैसे प्लांट मशीनरी के लिए 15% होते हैं, कुछ जगह पर 30% होते हैं, 40% होते हैं, वो जो रेट्स हम लोग याद करते हैं वो WDV मेथड के रेट होते हैं, राइट। SLM मेथड्स के रेट हमें याद नहीं करने हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल देखेंगे वहां पर भी आपको रेट्स नहीं मिलेंगे। यहां पर जब कभी भी, वैसे तो आता नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, बट अगर आएगा तो वो SLM के रेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, तो SLM के रेट्स आपको याद नहीं करने हैं। तो SLM मेथड हम फॉलो करते हैं, SLM मेथड मतलब ओरिजिनल वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। हाँ, बट इसमें एक, क्या ये लोग जो पावर जनरेटिंग यूनिट है क्या WDV मेथड भी यूज कर सकती है? हाँ, कर सकती है, बट ये एक बार जो इन्होंने चूज कर लिया फिर वो हमेशा के लिए रहता है, यानी कि इनको सिर्फ एक बार ऐसा लाइफ टाइम में एक ही बार
मौका मिलता है कि कौन सा मेथड आप चूज करना चाहते हैं। तो ये चूज कब कर सकते हैं, जब अपनी फर्स्ट ईयर, जब इन्होंने अपना बिजनेस कमेंस किया था, फर्स्ट ईयर की जब आरओआई ये फाइल कर रहे होते हैं उस समय इनको चूज करना होता है अगर ये डब्ल्यूडीबी मेथड चूज करना चाहते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इनको हम एसएलएम मेथड देते हैं, ठीक है। हाँ, बट ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कोई भी पावर जनरेटिंग बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा था और उसके ऊपर हम एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे तो क्या हम उसको बेच सकते हैं? आंसर इज यस। अगर हम उसको बेचेंगे तो उससे टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल एसेट था जो बिक रहा है, तो मैंने आपको ये बताया भी था पहले भी जब हमने डिटेल रिवीजन किया था। तो हम ये देखते हैं, हम एक नंबर लाइन सिंपल बना लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी एसेट की। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 40 लाख रुपीज की थी और इसके ऊपर आप 2-3-4 साल से डेप्रिसिएशन ले रहे थे और इस समय इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेट से 30 लाख रुपीज है। इस समय इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30 लाख रुपीज है। जब आप इसको बेच देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 3-4 साल के बाद इसको बेच दिया, तो जितना अभी आपने बेचा फिर हम देखते हैं कि वो 30 लाख से ज्यादा का बिका है, 30 लाख से कम का बिका है। अगर वो 30 लाख से कम का बिका है मतलब वो लॉस का एरिया है, ठीक है, राइट, क्योंकि इस समय रिटर्न ऑन वैल्यू अभी 30 लाख है। 30 लाख से कम का बेच रहे हैं आप, लॉस का एरिया है, तो उसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहते हैं। जितना भी आपको लॉस होता है हम इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सेक्शन 32 में उसको अलाउ कर देते हैं। जिस साल आपने बेचा उसी साल वो लॉस अलाउड हो जाता है एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बट हाँ, अगर आपने इसको 30 लाख से ज्यादा का बेचा, देखो ये ग्रीन एरिया है, तो अगर आपने ये ग्रीन एरिया पे बेचा तो ये आपका प्रॉफिट है, राइट। तो 30 लाख से ज्यादा का बेचा है, अगर वो 30 और 40 के बीच में बिका है तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम होती है, राइट। ये पीजीबीपी की इनकम होती है और इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41। ये हमारी टैक्सेबल होती है एज पीजीबीपी इनकम। हाँ, अगर 40 लाख से भी ऊपर का बेचते हैं तो वो आपका जितना 40 लाख से ऊपर जाता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है और सेक्शन 50A कैपिटल गेन का वहां पर हम देखते हैं इसको हम कैसे टैक्सेबल करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको 30 लाख का इसके डब्ल्यूडीबी थी, 40 लाख इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी और आपने इसको 44 लाख का बेचा, तो 30 से लेकर 40 लाख तक ये तो आपकी 10 लाख रुपीस तो पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, राइट। और 44 माइनस 40 4 लाख आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। बट प्लीज याद कर लीजिएगा, अगर ये एसेट 3 साल से ज्यादा का हो तो 44 माइनस 40 मत कीजिएगा, 40 को फिर इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गए? सॉरी गाइस, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 33AB, 33AB, 33ABA और 30, तो ये हमारे नहीं है, और 35ABAB ये CMA और CA स्टूडेंट्स के लिए है, CA इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये सेक्शंस, ठीक है, ओके। हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 35 पे, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च दो तरह के होते हैं, एक तो इनहाउस साइंटिफिक रिसर्च, एक आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च। आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में प्लीज एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, ये जो आउटसाइड रिसर्च है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए मिलता है। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो आउटसाइड रिसर्च की डिडक्शन नहीं मिलती। इनहाउस की रिसर्च की डिडक्शन तो दोनों लोगों को मिल जाती है, आउटसाइड की सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए मिलेगी, राइट। चलिए समझते हैं क्या होता है इनहाउस रिसर्च। अगर आपने इनहाउस रिसर्च पर कोई भी खर्चा किया, लाइक इट कुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑल्सो, इट कुड बी इवन योर कैपिटल एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर तो आपको पता है पूरे इनकम टैक्स में कहीं पर भी डिडक्शन नहीं मिलती है, राइट। तो अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है एक्सेप्ट लैंड, तो आपको 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल जाती है, 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में ही मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर आपने कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस किए थे जो बिफोर कमेंसमेंट थे, ठीक है, तो बिफोर कमेंसमेंट थे तो आप वो भी एक्सपेंसेस ले सकते हैं, बट सिर्फ पिछले तीन साल के आपको जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक्सेप्ट लैंड उसकी 100% डिडक्शन ले सकते हैं। किस ईयर, जिस साल आपका ये बिजनेस कमेंस हुआ है उस साल आप ये डिडक्शन ले पाएंगे, राइट। अगर आपने पीछे यानी कि बिफोर कमेंसमेंट अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस किए थे, आफ्टर कमेंसमेंट के तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मिल जाती है अंडर सेक्शन 35, बट बिफोर कमेंसमेंट के सिर्फ दो रेवेन्यू एक्सपेंसेस की मिलती है, एक तो आपकी सैलरी जो आपने अपने इंप्लॉयज को पे की होगी और दूसरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है, राइट। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं तो सिर्फ सैलरी और रॉ मटेरियल ही अलाउड होता है, आफ्टर कमेंसमेंट के तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। तो ये होता है सेक्शन 35 इनहाउस रिसर्च का, दोनों ही टैक्स रिजीम वालों के लिए मिल जाएगा। बट आउटसाइड रिसर्च सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पर आप आउटसाइड रिसर्च अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं और आपने कहीं पर कंट्रीब्यूशन किया है, लेट्स से आईआईटी में किया है आपने, नेशनल लेबोरेटरी में आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में किया, अप्रूव्ड हो जगह होनी चाहिए वो, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 100% डिडक्शन आपको अलाउड होती है, राइट। इट कुड बी योर साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो, इट कुड बी योर स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस रिसर्च ऑल्सो। अगर जब आपने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो जगह अप्रूव्ड थी, बाद में अगर उसका सब्सिक्वेंट विड्रॉल हो जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन मिलेगी बिकॉज जब आपने पेमेंट की थी वो जगह उस समय अप्रूव थी, राइट। तो दिस इज सेक्शन 35। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेच देते हैं, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेचा, देखो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का असेट खरीदा था तो आपने 100% डिडक्शन ली होगी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आते हैं। एक वो नंबर लाइन बनाइए जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, लेट्स से आपका ओरिजिनल कॉस्ट
था 50 लाख रुपीज का, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने ये खरीदा था, और आपने इसको डायरेक्टली, पहले आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे और आपने इसको डायरेक्टली आप इसको बेच दिया। सबसे पहले मुझे बताइए इसका WDV कितना होगा? जीरो, ऑब्वियसली वाई जीरो, क्योंकि आप 100% डिडक्शन ले चुके होंगे, सेम रहेगा। जीरो से लेकर 50 लाख तक का यहाँ पे लॉस तो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो से कम का तो आप बेचेंगे नहीं, ऑब्वियसली जीरो से ज्यादा ही बेचेंगे, करेक्ट। तो जीरो से लेकर 50 लाख जब भी आपकी इनकम आएगी, ये सेक्शन 41 में टैक्सेबल होगी एज डीम्ड बिजनेस इनकम। 50 लाख से ऊपर का बेचेंगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा, राइट। तो जितना भी 50 लाख से ऊपर का बेचेंगे वो कैपिटल गेन आ जाएगा। शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मली 50 लाख रखिएगा, लॉन्ग टर्म है तो 50 लाख का इंडेक्सेशन भी कर दीजिएगा, राइट। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसको साइंटिफिक रिसर्च का सेट अभी बेचा नहीं है, पहले उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो ये नॉर्मल बिजनेस में आपका उसी ब्लॉक का पार्ट बनेगा जिस तरह का इस नेचर होता है इस पर्टिकुलर असेट का, राइट। और किस वैल्यू पर बनेगा? निल वैल्यू पर। क्यों कहा? क्योंकि आप इसके ऊपर 100% डिडक्शन ले चुके थे, अब आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, तो आपके ब्लॉक का पार्ट तो बन जाएगा बट एट निल वैल्यू। और जब इसको सब्सिक्वेंटली आप बेचेंगे तो सिंपल ऐसा जाएगा जैसे ब्लॉक का पार्ट बिक रहा, राइट। दिस वॉज अबाउट सेक्शन 35। ओके, नेक्स्ट सेक्शन होता है 35AD, और मैंने यहां पर भी लिख दिया है कि दिस इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल फॉर ऑप्शनल टैक्स रेजिम असेसी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाले लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। 35AD होता क्या है? यहां पर आप जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन होती है, जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने इस बिजनेस में, आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। पर तीन असेट्स की यहाँ पर नहीं मिलती, कौन कौन सी? लैंड की नहीं मिलेगी, गुडविल की नहीं मिलेगी, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं मिलेगी। अगर आपने बाकी चीज़ें करी हैं, यानी कि बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, या फिर मशीन्स खरीदी हैं, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं ये, ठीक है, 14 टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दी है कि अगर ये बिजनेस इस डेट के बाद शुरू हुए हों तब ये एलिजिबल होते हैं, राइट। बट देर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न दिस डेट, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा याद करना आपके लिए, बट येस यू शुड नो अबाउट दीज पर्टिकुलर बिजनेस। एक बार मैं इस बिजनेस को रीड आउट कर देता हूँ जिससे कि रिवाइज हो जाए कि कौन कौन से बिजनेसेस थे ये। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, राइट, कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, ठीक है, राइट। एडेबल ऑयल वगैरह वो सब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ, बट एक और आएगा वेयरहाउस फॉर शुगर के लिए, शुगर स्टोरेज भी यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा, आगे लिखा भी है वेयरहाउस फॉर शुगर स्टोरेज। ओके, 2-स्टार और अबव कैटेगरी होटल, हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 100 बेड्स और मोर हो, हाउसिंग स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इनलैंड कंटेनर डिपो और कस्टमर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग बिजनेस, वेयरहाउस फॉर शुगर स्टोरेज हम पढ़ चुके हैं, आयरन और स्लरी पाइपलाइन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, डेवलपिंग और मेंटेनेंस ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो दीज आर 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, आपको एक दो बार इसको रीड कर लेना चाहिए कि कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेसिफाइड बिजनेसेस, राइट। और स्पेसिफाइड बिजनेस कि हम दूसरी चीज़ें भी जानते हैं कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई भी लॉस आ जाए तो वो इन्हीं तरह के स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, बट अभी 35AD ये कहता है कि आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, बट प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपने 35AD अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जो हमारा चैप्टर 6A होता है, जो चैप्टर 6A होता है उसकी हेडिंग सी, उसकी जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस होती हैं जो शुरू होती हैं 80IA से लेकर 80RRB तक जाती हैं, आपको वो भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं 80C 80CCC वगैरह वो सब मिल जाएंगे, बट जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस होती हैं जो 80IA, वैसे IA वगैरह की सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप इतना जानते हैं, जो इसकी हेडिंग सी में जो डिडक्शंस आती हैं फ्रॉम 80IA से लेकर IA सीरीज से लेकर RRB तक, वो डिडक्शन हमें नहीं मिलेंगी, राइट। अगर 35AD ले रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपने इस बिजनेस को कमेंस करने से पहले कोई खर्चा किया था, कितने साल पहले, यहाँ पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है, 3 साल से भी पहले जाएगा तो भी चलेगा यहाँ पर। अगर आपने उससे पहले कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सारी चीज़ें जो भी आपने खर्चा किया था उसको कैपिटलाइज कर लीजिएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जिस साल आपका बिजनेस शुरू हुआ है उस साल आप इसकी डिडक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और पेमेंट अगर आपने 10,000 रुपीज़ ईयर से ज़्यादा की है इन कैश, 10,000 से ज़्यादा की है आपने कैश में, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। असेट मस्ट नॉट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बातें थी, असेट मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर 8 ईयर्स। ये जो आप 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है इसके लिए अगर कोई भी आपने असेट खरीदा है, इसको प्लीज़ 8 साल से पहले अपने नॉर्मल बिजनेस में या कहीं और ट्रांसफर मत कीजिएगा, अदरवाइज हम आपकी इनकम बना देंगे, राइट। अगर आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया है तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने आपको डिडक्शन पहले दी थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD,
इसको हम वापस इनकम बना देंगे, बट हाँ हम आपको डीम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी देंगे। तो जितना भी उस साल में आपको डीम डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था जब तक ये आप स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज कर रहे थे, उसका डीम डेप्रिसिएशन भी देंगे, तो उसको माइनस कर दीजिएगा, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। ठीक है, 35D छोटा सा सेक्शन होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। जब कभी भी आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करेंगे, इसकी 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो कभी कभी ये आपके एग्जाम में आ जाता है, पीएनएल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो प्लीज याद कर लीजिएगा इसको पूरा का पूरा 1 लाख की डिडक्शन हम ले नहीं सकते, सिर्फ 1/5 ले सकते हैं इस साल। तो बाकी का 1/5 मतलब 20,000 तो इस साल ले सकते हैं, 80,000 रुपीज को आप एडबैक कर दीजिएगा। करेक्ट। और हाँ, कभी कभी ये भी आ सकता है कि अगर आपको एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए गए हैं और कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी दिया गया है, तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, आप उसी की डिडक्शन ले सकते हैं, अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और अगर आपका एसएससी कंपनी एसएससी है, तो सबसे पहले आप 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज हायर, पहले इन दोनों में से विच एवर इज हायर निकालिएगा और उसको कंपेयर कीजिएगा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से। तो ये इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज हायर, इसका 5%, इसका 5%, विच एवर इज हायर, और ये जो हायर अमाउंट आया है इसको कंप्यूट कंपेयर कीजिए अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस से, विच एवर इज लोअर आप इसकी डिडक्शन देंगे, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये डिडक्शन देनी चाहिए। ठीक है, 35DD अमलगेमेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, बट आपके सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, नॉट फॉर सी एंटर। 35DDA VRS expenses, सेम सिमिलर कंसेप्ट रहेगा, अगर आपने VRS expenses की पेमेंट की है तो उसको 5 इंस्टॉलमेंट में ही डिडक्शन दे दीजिएगा। तो आपको आपके एग्जामिनर इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके ऊपर अलग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ आपके मेन क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट आ सकती है, यहाँ पर कोई VRS expenses से रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया गया है, तो प्लीज इसका 1/5 तो अलाउ करिएगा, इसका 4/5 को डिसअलाउ कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेक्शन 36 स्पेसिफिकली सेक्शन 36(1) दिस इज अदर डिडक्शन। तो यहाँ पर एक लिस्ट होती है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम अलाउ कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कि अगर आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 36। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट की अपने इंप्लॉयज की और उनके फैमिली मेंबर्स की, तो अलाउड होती है, तो प्लीज याद रखिएगा ये कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। राइट, बोनस और कमीशन अगर आपने पे किया अपने इंप्लॉयज को, अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43B, यानी कि इसकी आपने पेमेंट कर दी हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ आर हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अगर आपने कोई भी आपने लोन लिया है या फिर डिवेंचर्स इशू करें, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36। बट हाँ, प्लीज याद कर लीजिएगा, अगर आपने कोई भी ऐसा लोन लिया है इस असेट के लिए, अभी तक वो असेट पुट टू यूज नहीं किया है, तो उससे पहले पहले का पुट टू यूज से पहले पहले का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे, 36 में डिडक्शन नहीं मिलेगी उसकी, वो इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होगा, वो आपकी उस असेट की वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। राइट, एक बार असेट पुट टू यूज हो गया, उसके बाद का जो इंटरेस्ट होता है वो क्लेम कर सकते हैं आप अंडर सेक्शन 36। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर हमने कुछ ऐसे बॉन्ड्स इशू किए हैं जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट तो पे नहीं करते, बट हमने उसको फेस वैल्यू से काफी कम वैल्यू पर इशू किया था। राइट, लेट्स से 100 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू थी और हमने इशू कर दिया था उसको 20 रुपीज पर, 20 रुपीज पे इशू किया था, और बाद में जब भी उसकी रिडेम्पशन हो गया, हम लोगों को 100 रुपीज पे करेंगे, तो हमारा कितना एक्सपेंस हो गया, 80 रुपीज का। अभी जो 80 रुपीज का एक्सपेंस है, ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड हम इसको स्प्रेड कर देंगे, और जितना भी इस प्रीवियस ईयर में उसका अमाउंट आ रहा होगा वो प्रोपोर्शनेटली अलाउ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स भी अलाउड हो जाते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड या रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड, दिस इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, जो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके तो 80C में उसको रिडक्शन मिलती है। राइट, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट वो अप्रूव्ड जगह होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, अप्रूव्ड हो, तो चलेगा। बट अगर वो अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है या कोई अनअप्रूव्ड फंड है, वो हम अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर एम्प्लॉयर, यहां पर भी मैंने एम्प्लॉय की बातें नहीं करी, क्योंकि एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की जो खुद की डिडक्शन है, वो उसकी इनकम में जब भी वो अपना 80CCD कैलकुलेट करता है तब में उसकी मिल जाएगी। राइट, यहां पर हम बातें कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करा, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी है, कंपनी ने भी तो खर्चा किया, तो कंपनी का जो खर्चा हो रहा है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, इसकी डिडक्शन मिलती है, बट प्लीज याद कर लीजिएगा ये मैक्सिमम मिलती है 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसको ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये दोनों ही चीजें जो पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करा आपने या फिर पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करा एम्प्लॉयर ने, इसके पैसे वो डिपॉजिट कर देने चाहिए उसको उस पर्टिकुलर फंड में बाय द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। राइट, दिस इज ऑल्सो सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B।
बैड डेट्स, अगर हमारे एक्चुअल बैड डेट्स हुए हैं यानी कि हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं तो हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 36। बट अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोविजन बना रहे हैं अपने डेटर्स के ऊपर, तो वो डिडक्शन नहीं मिलती, इट इज ओनली बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को मिलती है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सीएमए, तो इसको आप लोग ना भी पढ़े चलेगा क्योंकि दिस इज नॉट योर ऑन योर सिलेबस, मैंने लिख दिया है वहां पर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस याद कर लीजिएगा, किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को वगैरह को नहीं मिलते, ये सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं कंपनी एसएससी को, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द कंपनी एसएससी। और कंपनी एसएससी को कितना मिलता है, तो अगर आपके एग्जाम में जनरली सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम से इंडिविजुअल के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो इंडिविजुअल का पीएनएल अकाउंट देगा और वहां पर लिखेगा कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस कराए फॉर फैमिली प्लानिंग। आपको याद आएगा सेक्शन 36 में हमने फैमिली प्लानिंग पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं 1/5 करके, तो आपको ये तो लगेगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ कर देने चाहिए, बट प्लीज ये भी याद कर लीजिएगा साथ साथ कि ये एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को मिलेंगे, नॉन कंपनी एसएससी को ये एक्सपेंसेस नहीं मिलते हैं, राइट। तो अगर कंपनी एसएससी है तो किस तरीके से ले सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस 100% ले सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस को वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, ठीक है। बट प्लीज याद कर लीजिएगा दिस इज ओनली फॉर कंपनी एसएससी, किसी और एसएससी के लिए नहीं है, एग्जामिनर कंफ्यूज करे आप बोल दीजिएगा अच्छे से रिविजन किया है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। एसटीटी या सीटीटी, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर आपका इस तरह का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रोकर हैं, ठीक है, अगर आप ब्रोकर हैं, ट्रेडर हैं, इस तरह के बिजनेस करते हैं, तब आपको ये एसटीटी अलाउड होता है, राइट। अगर हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, जब भी हम अपने सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह बेचते हैं और हमने शेयर्स जब बेचेंगे तो हमारे कैपिटल गेन की इनकम आती है, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी और उस समय हम कैपिटल गेन में पड़ते हैं, एसटीटी अलाउड नहीं होता। बट जो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं उनके लिए एसटीटी अलाउड होता है, राइट। तो दिस इज फॉर ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स एटसेट्रा, उनके लिए एसटीटी अलाउड होता है। तो दिस वॉज सेक्शन 36, इंपॉर्टेंट सेक्शन था, अगेन एन इंपॉर्टेंट एंड ईजी सेक्शन, सेक्शन 37, स्पेसिफिकली 37 वहाँ है जनरल डिडक्शन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 30 से लेकर 36 में हम स्पेसिफिक बातें करते हैं, बट 37 इज अ जनरल डिडक्शन, यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं लिखा, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकल लाइफ में 90% से ज़्यादा एक्सपेंसेस 37 में ही अलाउड होते हैं मोस्टली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एक कोई लिस्ट नहीं है, एग्जाम्पल्स दिए हुए, सिर्फ कंडीशन दी हुई हैं, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी आप एक्सपेंसेस 37 में अलाउ कराना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑलरेडी सेक्शन है, अगर वो ऑलरेडी 30 से लेकर 36 में कवर्ड होता है, तो आप इसको प्लीज उन्हीं सेक्शन में रखिएगा, उस एक्सपेंस को 37 में मत लाइएगा, 37 में तभी लाइएगा अगर उसको 30 से लेकर 36 में अलाउ नहीं करा पा रहे, तो आप 37 में लेकर आइएगा। दूसरी बात है वो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए, सेक्शन 37 में कैपिटल एक्सपेंसेस किसी भी तरह के अलाउड नहीं होते हैं, इट शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तीसरी बात है वो आपका बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, राइट। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया जो बिजनेस के लिए और पर्सनल पर्पज के लिए दोनों के लिए किया गया है, तो जितना बिजनेस पर्पज के लिए किया गया है उसकी आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, और वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इलीगल एक्सपेंसेस है, प्रोविडेड बाय लॉ है, तो हम उसको अलाउ नहीं करते, राइट। सी एस आर एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंसेस, ऑल्दो कंपनीज लॉ कहता है कि सी एस आर के लिए हमें खर्चा करना चाहिए, बट इनकम टैक्स बोल देते हैं कि वो खर्चा हम अलाउ नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कराया है, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आपको कोई डिडक्शन पीजीबीपी में अलाउ नहीं होगा। तो अक्सर ये भी फेवरेट पॉइंट होता है एक एग्जामिनर का, वो देता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाउंट उसने दे दिया कि ये अमाउंट है जो हमने पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट करा था, प्लीज उसकी डिडक्शन मत लीजिएगा। हाँ, उसकी हम डिडक्शन 80GGB 80GGC में चैप्टर 6A में ले सकते हैं, अगर एसएससी ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा हो तो, बट हाँ पीजीबीपी निकालते समय प्लीज उसको अलाउ मत कीजिएगा। सेक्शन 38 सिंपल सेक्शन होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस के साथ साथ पर्सनल पर्पज के लिए भी किया है, तो जितना हमने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए किया है या प्रोफेशन पर्पज के लिए किया है, सिर्फ हम उसको उतना ही अलाउ करते हैं, पर्सनल पर्पस वाला एक्सपेंसेस हम अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 स्मॉल है, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली बोला गया है कि अलाउड नहीं होते। फर्स्ट इसमें पॉइंट होता है कि अगर आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, साथ साथ अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है बट उसको आपने ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक डिपॉजिट नहीं कराया है, यानी कि दो कंडीशन है, टीडीएस डिडक्ट करो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिडक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिपॉजिट हो जाना चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, राइट। तो अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो वो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, बट अगर वो दोनों चीजें नहीं हुई हैं और आपने आउटसाइड इंडिया या किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दी है, तो हम इसको 100% डिसअलाउ कर देंगे। आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट को पे किया तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा, विद इन इंडिया आपने पेमेंट करी, अगर आपने किसी रेसिडेंट को पेमेंट करनी थी विद इन इंडिया
और उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लगने थे और आपने उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, या फिर डिडक्ट किया है पर आरओआई की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया, राइट? डिडक्ट करना है आपको, डिडक्ट करना है आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिपॉजिट कराना है आपको अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है? तो अगर आपने ये सारी चीजें की हुई तो अलाउड है, बट अगर आपने नहीं किया हुआ तो आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट के लिए तो 100% अलाउ करते हैं, विद इन इंडिया रेसिडेंट वालों के लिए 30% अलाउ करते हैं, ठीक है? ये बातें याद रहेंगी आपको। और अगर आपने फिर क्या ये बाद में एक्सपेंस अलाउड हो जाते हैं? हाँ, बाद में जब कभी भी इसका आप टीडीएस डिपॉजिट करा देते हैं तब ये अलाउ हो जाते हैं। तो जितना भी 100% या 30% आज तक इसमें भी जो भी केस था वो फिर अलाउ हो जाएंगे उसका। बट हाँ, एक सैलरी का एक कंसेप्ट है, अगर आपने सैलरी पे की है आउटसाइड इंडिया, सैलरी अगर पे की है आउटसाइड इंडिया और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो डिसअलाउ हो जाता है। और अगर आप उसको लेट भी डिपॉजिट कराओगे तो भी वो अलाउ नहीं होता है। आउटसाइड इंडिया वाली सैलरी याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने दिया गया है इनकम टैक्स में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अगर आपके अपने पीएनएल अकाउंट में कभी भी आपको दिखे लगे कि आपने इनकम टैक्स का पैसा पे किया आपके एसएससी ने, या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें की हैं, तो प्लीज उसको डिसअलाउ कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स वगैरह कुछ अलाउ नहीं करते हैं, राइट? तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स वगैरह हम अलाउ नहीं करते। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो आप लोग जानते हैं कि कभी कभी एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसका एम्प्लॉयर ही उसके टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे कर देता है, वो हम अलाउ नहीं करते हैं। 40 स्मॉल इन्हें साफ साफ जो कंपनी ने खर्चा किया, बट हम उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। आई बिलीव ये बातें याद आ गई होंगी, ठीक है? और ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे इन तीनों पॉइंट्स में आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, बट जिसको पैसे मिले हैं उसने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल की और अपना टैक्स भी डिपॉजिट कर दिया है, तब हम आपको मानते हैं कि आपका भी टीडीएस डिपॉजिट हो गया है। उस केस में हम मानते हैं कि आपका भी टीडीएस डिपॉजिट हो गया, ठीक है? फिर हम डिसअलाउ नहीं करते हैं। सेक्शन 40 स्मॉल बी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब देखिए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में दो बातें याद रखिएगा, एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, दूसरा होता है अदर रेम्यूनरेशन, ठीक है? मैं अदर रेम्यूनरेशन की बातें 2 मिनट की बात करूंगा, पहले इंटरेस्ट की बातें करते हैं। जो आपने इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को, वेदर दे आर योर वर्किंग पार्टनर्स नॉन वर्किंग पार्टनर्स, आप दोनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? आप दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतना कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि पार्टनरशिप डीड में कम लिखा हुआ है तो उतना कीजिए, बट अगर पार्टनरशिप डीड में 12% से भी ज्यादा लिखा हुआ है तो प्लीज 12% ही करिएगा, ठीक है? पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की तरह से, करेक्ट? अब हम अदर रेम्यूनरेशन की बातें करते हैं। ये जो अदर रेम्यूनरेशन होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा, अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, आप इसको अलाउ कर सकते हैं अगर वो आपने सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को पे किया है। अगर आपने अदर रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर्स को पे किया तो स्ट्रिक्टली डिसअलाउ हो जाएगा। इट इज ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है? वर्किंग पार्टनर्स को पे कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कितना पे कर सकते हैं, तो देर इज ऑल्सो लिमिट ऑन दैट। उसके लिए हमें बुक प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक प्रॉफिट्स निकालिए और अपने बुक प्रॉफिट्स का फर्स्ट बुक प्रॉफिट्स का कितना पे कर सकते हैं, 1,50,000 रुपीज और 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट्स, विच एवर इज हायर, ठीक है? और रिमेनिंग बैलेंस का, फॉर एग्जांपल आपकी बुक प्रॉफिट्स 4 लाख आए हैं, तो 4 लाख का फर्स्ट 3 लाख अलग कीजिएगा, रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख अलग कीजिएगा, 1 लाख का 60% आप पे कर सकते हैं। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? बुक प्रॉफिट्स निकालिएगा। क्वेश्चन ये है, सर बुक प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? सिंपल है, सबसे पहले नॉर्मली असेसी की यानी कि पार्टनरशिप फर्म की नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर लीजिए, विदाउट अलाउइंग एनी रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, विदाउट अलाउइंग एनी इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। जैसे नॉर्मली नॉर्मल प्रोविजंस लगाइए पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते समय पार्टनरशिप फर्म के लिए, और नॉर्मली कंप्यूट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कोई भी अगर आपने रेमुनरेशन दिया पार्टनर्स को वो एडबैक कर दीजिएगा बस, ठीक है? वो डिसअलाउ करते हुए नॉर्मल पीजीबीपी निकाल दीजिए। अब सबसे पहले इसमें से माइनस कीजिएगा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, जो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स आप माइनस करिएगा, और माइनस कीजिएगा अगर कोई पुराना अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, अगर कोई पुराना अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम निकालिएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, उसमें से जितना इंटरेस्ट अलाउएबल है वो माइनस कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, ये आपके बुक प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है? और ये जो आपके बुक प्रॉफिट्स आते हैं, इसका आप फर्स्ट 3 लाख का 150 और 90 विच एवर इज हायर, और रिमेनिंग का 60%, ये आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हैं, ठीक है? याद आ गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर जितना भी आपने रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं वो माइनस करके आपकी पार्टनरशिप फर्म की भी इनकम आ जाएगी अगर निकालने के लिए आएगा तो। पर प्लीज ये याद रखिएगा बुक प्रॉफिट्स का फर्स्ट 3 लाख और रिमेनिंग अमाउंट का 60%, फर्स्ट 3 लाख का 90% और 150 विच एवर इज हायर।
ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन होता है 48-2। 48-2 होता है कि अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी को, अपने किसी रिलेटिव को, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस रिलेटेड हैं, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, उसके बच्चे, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उसके रिलेटेड माने जाते हैं, तो अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को पेमेंट की है इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की पेमेंट कर दे, जितना ज्यादा एक्सेस पेमेंट कर दी है वो 48-2 डिसअलाउ कर देता है, राइट। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन रिलेटेड माना जाता है, उसके पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स के जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी सब रिलेटेड पार्टी में आते हैं। अगर सिमिलरली HUF है या AOP है तो उसके जो मेंबर्स हैं उसके रिलेटेड माने जाएंगे, और AOP के जो मेंबर्स हैं प्लस उनके रिलेटिव्स भी हमारे रिलेटेड पार्टी में ही आएगा। कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स, कंपनी में उसके डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के जो भी रिलेटेड हैं वो लोग भी रिलेटेड पार्टी में आएंगे, ठीक है। या फिर क्या शेयर होल्डर भी आ सकते हैं? द आंसर इज हर कोई शेयर होल्डर नहीं आ सकता, अगर उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर का इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोग भी हमारे रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं, ठीक है। पर प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, मेनली आपके लिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिविजुअल के लिए आते हैं, तो इंडिविजुअल ने फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रदर को पेमेंट कर दी है, अपने स्पाउस को पेमेंट कर दी है, तो प्लीज याद रखिएगा इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ कर दीजिएगा। 48-3 होता है कि कैश पेमेंट, आप सिंगल पार्टी को सिंगल डे 10,000 रुपीज से ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो जब भी मैं कैश की बातें करता हूँ, कैश में इंक्लूड होता है बियरर चेक, बियरर चेक भी एज गुड एज कैश माना जाता है, और क्रॉस चेक भी, अकाउंट पे ही चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक तो अलाउड होता है, क्या अलाउड नहीं है, कैश अलाउड नहीं है, बियरर चेक अलाउड नहीं है, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, NEFT से, RTGS से, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, UPI वगैरह, इन सबसे पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे पेमेंट करना अलाउड होता है, बट कैश से, बेयरर चेक से और क्रॉस चेक से अलाउड नहीं होता है, करेक्ट। सिंगल डे में सिंगल पार्टी को 10,000 तक अलाउड, 10,000 से ज्यादा करेंगे फिर पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाता है। अगर आपने 11,000 पेमेंट करी है तो प्लीज मुझे बताइएगा 1,000 डिसअलाउ होगा या पूरा 11,000, पूरा का पूरा 11,000 हम डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, इनके लिए हम 35,000 रुपीज तक पेमेंट कर सकते हैं, 35,000 से ज्यादा करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, 35,000 तक हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है किस किस तरीके मोड से अलाउड है, UPI, ई वॉलेट वगैरह से अलाउड होती है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है, कभी कभी हम 10,000 से ज्यादा की भी कैश पेमेंट कर सकते हैं सिंगल पार्टी को सिंगल डे में, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को या किसी बैंक को अलाउड होता है, अगर हम किसी से एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेस कर रहे हैं, और किससे परचेस कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कल्टिवेटर है, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर है, हम उससे प्रोड्यूस हम परचेस कर रहे हैं तो अलाउड हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर हम किसी से कोई हैंडीक्राफ्ट चीजें परचेस कर रहे हैं जो एक्चुअली उसका जो कल्टिवेटर नहीं बोलना चाहिए, उसमें प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो एक्चुअली में वो विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर मतलब बिना बिजली के वो चीजें बनती हैं और वो बनाता है, और हम डायरेक्टली उससे परचेस कर रहे हैं, तो हम 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऐसे पर्सन को जो ऐसी जगह पर रहता है या फिर ऐसी जगह पर अपना बिजनेस करता है जहां पर कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हम उन लोग को पेमेंट कर सकते हैं, राइट। किसी भी इंप्लॉय को ऑन रिटायरमेंट 50,000 तक की पेमेंट हम कर सकते हैं, या किसी ऑथराइज डीलर को फॉर परचेज ऑफ फॉरन करेंसी वगैरह हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए। इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हमारा कोई इंप्लॉय, ठीक है, टेम्परेरी पर्पज के लिए अभी वो अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस से बाहर है और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, उसको भी हम पेमेंट कर सकते हैं, राइट। 48-7 प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये अलाउड होता है अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पैसे पे कर रहे हैं, अगर आप अनअप्रूव्ड कर रहे हैं तो अलाउड नहीं होता, राइट। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम हर साल 1 लाख रुपीज पे कर रहे थे अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, 1 लाख अलाउड है, ये हमारा अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर 1 लाख की, सेकंड ईयर 1 लाख की, थर्ड ईयर 1 लाख, इस तरीके से हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। अब इस अप्रूव्ड फंड में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है, राइट, डिडक्शन हमें मिल चुकी है। अगर हम मान लेते हैं इस फंड से किसी को पेमेंट करेंगे, इस फंड से किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या हमें दोबारा से डबल डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने ये अप्रूव्ड फंड बनाया था आपको ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी थी एक बार, तो आपको डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 41 डीन बिजनेस इनकम। डीन बिजनेस इनकम होती है अगर कोई भी आपने कोई एक्सपेंस पहले से क्लेम किया हुआ था, अगर वो वापस आपको रिकवर हो जाता है, जैसे कि बैड डेट्स रिकवर हो गए, या आपकी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी वो आपकी वहां से रिकवर हो जाती। एक सेकंड दीजिएगा, ओके, सॉरी गाइस। डीन बिजनेस इनकम होती है सेक्शन 41 की अगर हमारी कोई भी बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं जो हमने पहले क्लेम किए थे, अगर वो हमारे जो पहले हमने क्लेम किए थे वो हमें रिकवर हो जाएंगे।
या फिर कोई हमारी ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, हमें किसी क्रेडिटर को पैसा पे करना था, बट अगर वो वहां से फॉरगो हो जाता है, वो कहता है कि नहीं अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, या फिर उसको आप अपने बुक से हटा देते हो, तब वो आपकी इनकम अराइज हो जाती है, राइट। या फिर हमने ये भी किया था कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेचते हैं, साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेचा या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस का असेट बेचा, तो आपकी जो इनकम होती है वो आपकी पीजीपी इनकम हो जाएगी अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से जो ऊपर होगा वो तो कैपिटल गेन है, बट अप टू द ओरिजिनल वैल्यू आपकी पीजीपी की इनकम हो जाती है, करेक्ट। सेक्शन 43 भी अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 43 भी ये कहता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं विच आर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। अगर आप इनका एक्चुअल पेमेंट करेंगे ये तभी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, अगर आपने इसका एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है तो ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। एक्चुअल पेमेंट कब तक कर देना चाहिए, या तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कर दीजिए आप इस चीजों का पेमेंट, या फिर अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, जो भी हमारी उस साल की जो ड्यू डेट है आरओआई की वहां तक पेमेंट करेंगे तो चलेगा, राइट। इसमें एक एमएसएमई वाला पॉइंट भी ऐड हुआ है, उसके बारे में मैं एक मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट है जो उसकी हमें पेमेंट ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक कर देनी चाहिए। किसी भी तरह का टैक्स ऐसे ऐसे पेबल टू गवर्नमेंट, तो किसी भी तरह का टैक्स अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, किसी भी तरह का टैक्स, ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो अलाउड नहीं होगा, वो तो वैसे ही सेक्शन 40 स्मॉल ए में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने म्युनिसिपल टैक्स ऑफ बिल्डिंग, तो प्लीज बताइए ये भी तो किसी तरह का टैक्स है ना किसी गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को पे करते हैं। या फिर जीएसटी है, जीएसटी की आप पेमेंट कर रहे हैं बट आपने इसकी पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं करी है तो डिसअलाउड जाएगा, अगर आपने ड्यू डेट तक कर दिया तो अलाउड रहेगा। बोनस या कमीशन, हमने देखा था बोनस और कमीशन अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43 भी। इंटरेस्ट टू एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नोटिफाइड एनबीएफसीज, इन लोगों के लिए अलाउड होता है अगर आपने इनकी एक्चुअल पेमेंट कर दी हो। इंटरेस्ट अगर आपने किससे लोन लिया था, किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से। पेमेंट ऑफ लीव सैलरी, और या फिर आप इंडियन रेलवेज को पेमेंट कर रहे हो क्योंकि आप उनके रेल असेट्स वगैरह यूज कर रहे थे, तो अगर जो भी आप इनको पेमेंट करते हैं प्लीज पे कर दीजिएगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, अलाउ हो जाएंगे। अगर आपने ड्यू डेट तक पे नहीं कराए तो डिसअलाउ हो जाएंगे। फिर बाद में अलाउ हो सकते हैं कि हाँ बाद में जब कभी भी आप पेमेंट करेंगे तब ये अलाउ हो सकते हैं, राइट। एमएसएमई के प्रोविजन थोड़े से अलग है, यहाँ पे ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पर इनकी अपनी ड्यू डेट है एमएसएमई की। तो अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं एमएसएमई को, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं एमएसएमई को, तो आप इनको जल्दी से जल्दी पेमेंट करिएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका और उस एमएसएमई के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट था या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था। अगर रिटर्न एग्रीमेंट था तो आप इनको एज पर द एग्रीमेंट पे कर दीजिए। अगर आपने एज पर द एग्रीमेंट पे कर दिया है तो आपका इसी ईयर में अलाउ हो जाएगा, बट अगर आपने एज पर द एग्रीमेंट पे नहीं किया है तो फिर इस ईयर में तो अलाउड नहीं होगा, वो उस ईयर में अलाउ होगा जब आपने इसकी एक्चुअल पेमेंट कर दी है, राइट। तो जितना भी रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उतना आप उतने दिन के अंदर आप पे कर दीजिएगा, बट रिटर्न एग्रीमेंट में अगर 45 डेज से भी ज्यादा लिखे हुए हैं तो मैक्सिमम 45 डेज ही लेते हैं, राइट। बट इनकेस अगर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो विद इन 15 डेज तक पैसा पे कर दीजिए। अगर आप विद इन 15 डेज पैसा पे कर देंगे तो अक्रूअल बेसिस पर अलाउड हो जाएगा, ठीक है। विद इन 15 डेज कर देंगे तो अक्रूअल बेसिस पर अलाउड हो जाएगा, 15 डेज के बाद करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मार्च में पेमेंट करनी थी, मार्च फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक्सपेंस किया था एमएसएमई से, 31 मार्च 2024 को आपने कुछ परचेजेस की 31 मार्च 2024 को, तो आपको विद इन 15 और कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था। अगर आपने विद इन 15 डेज पेमेंट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 14 अप्रैल तक को भी पेमेंट कर दिया, तो इसी साल अलाउड हो जाएगा अक्रूअल बेसिस पर। बट अगर आपने 15th डे के बाद पेमेंट करी है तो फिर वो इस साल तो अलाउड नहीं होगा, फिर वो उस साल अलाउड होगा जिस साल आपने एक्चुअल पेमेंट करी, क्लियर हो गया। तो डिपेंड करता है एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है। 43C रियल एस्टेट बिजनेस में जो लोग डील करते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम 50C में भी पढ़ते हैं। 50C में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आप कोई रियल एस्टेट बेच रहे हैं और आप उसकी, जब आप बेच रहे हैं तो हम उसको इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे। अगर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जिसमें आप बेच रहे हैं अगर उसमें 10% तक का डिफरेंस है तो हम अलाउ कर देते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आप बेच रहे हैं, जिस वैल्यू पर आप बेच रहे हैं, वही वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस दे देंगे। बट अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, कितने से 110% ऑफ योर जो आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, आप एक्चुअल, क्योंकि 10% तक अलाउड होता है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो अगर आपकी स्टैंप वैल्यू उससे भी ज्यादा है, यानी कि 10% से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो इस केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी डीम्ड सेलिंग प्राइस मान ली जाती है, राइट। सेम कंसेप्ट अगर किसी का बिजनेस है तो 43CA लगेगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस नहीं है, अगर वो अपना लैंड प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं, तो उस केस में 50C जो कैपिटल गेन में है वो लगता है, ठीक है। बट ये स्टैंप वैल्यू हमें लेनी किस डेट की होती है, नॉर्मली हमें जिस दिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस दिन हम बेच रहे हैं, उस दिन की स्टैंप वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। बट कभी कभी कि हम पुरानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं अगर आपका पहले से कोई प्रायर डेट का एग्रीमेंट था। अगर आपका प्रायर डेट का एग्रीमेंट था, बट आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस समय एग्रीमेंट हुआ था आपने कुछ ना कुछ पैसे
इसके पे किए थे थ्रू बैंकिंग मोड, थ्रू बैंकिंग अकाउंट पे, चेक से, अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट से, जो हमारे बैंकिंग मोड होते हैं, ठीक है, NEFT RTGS से। अगर आपने पेमेंट, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि कुछ ना कुछ पेमेंट आपने ली थी इस केस में थ्रू बैंकिंग मोड, चाहे पार्टली पेमेंट ली थी, तो हम पुराना रेट का हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेते हैं, अदरवाइज जिस दिन आपने ट्रांसफर करा उस दिन की स्टैम्प वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये था 43CA, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा 44AA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और 44AB, टैक्स ऑडिट का। दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, टैक्स ऑडिट में तो चेंजेस भी आए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44AA क्या कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, किस किस को उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए दो पार्ट्स बनाते हैं इसके। एक तो होता है हमारे नोटिफाइड प्रोफेशनल, सारे प्रोफेशनल नहीं, नोटिफाइड प्रोफेशनल, और दूसरा ग्रुप होता है हमारे अदर प्रोफेशनल और बिजनेसेस का। बिजनेसेस का और अदर प्रोफेशनल का एक ग्रुप बनेगा, ये मैं फॉर द पर्पस ऑफ 44AA बोल रहा हूँ जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की बातें करते हैं। नोटिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं, डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स कैरी आउट कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट एक्सेट्रा, तो ये लोग नोटिफाइड प्रोफेशनल्स में आते हैं। इनको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही करनी, इनको हमेशा मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही करनी होगा, ठीक है। तो ये लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, इनको करनी ही करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर इनके पिछले 3 साल का, लास्ट 3 preceding years का, तीनों साल का ग्रॉस रिसेट्स इनकी 1.5 lakh से ज़्यादा आती है, तीनों ही साल की ऑल 3 years की 1.5 lakh से ज़्यादा आती हैं, तो इनको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कैश बुक, जनरल लेजर, जो भी इन्होंने बिल इशू करे हैं मोर देन 25 rupees, और जो भी बिल रिसीव करे हैं मोर देन 50 rupees, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ओरिजिनल कॉपी, जो बिल इशू करा था उसकी इनके पास डुप्लीकेट कॉपी होगी, वो इनको 25 rupees से ज़्यादा बिल इशू की, जितना भी बिल रिसीव करे थे 50 rupees से ज़्यादा का अगर ये बिल है, तो ये रखने पड़ते हैं 6 years तक, राइट। और अगर ये मेडिकल प्रोफेशन कर रहे हैं, तो इनको डेली केस रजिस्टर, जो भी इनके पेशेंट का रजिस्टर है, केस रजिस्टर प्लस इनकी इन्वेंटरी की डिटेल भी मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, अब हम बातें करते हैं अदर प्रोफेशनल्स की और बिजनेसेस की। क्या उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो कभी कभी नहीं भी होती। अगर उनका बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, बट अगर उनका या तो इनकम किसी पॉइंट से ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर, यानी कि या तो अगर ये इनकम का क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर अगर इनकम का नहीं करते, फिर हम टर्नओवर का भी देखते हैं, टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करा, तो भी इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जो अदर बिजनेसेस हैं और अदर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, बिजनेसेस सारे के सारे और अदर प्रोफेशनल्स के लिए, अगर ये इंडिविजुअली HUF हैं ये लोग, ठीक है, ये जो ग्रुप है, अगर ये इंडिविजुअली HUF है या अदर SAS है, तो पहले पता चलता है कि इंडिविजुअल और HUF है। तो अगर इनका इनकम का, पहले तो इनकम का क्राइटेरिया देखिए, अगर इनकी इनकम पिछले तीन साल में से किसी भी एक साल की 2.5 lakh से ज़्यादा थी, किसी भी 3 साल में से any 1 year इनकी इनकम 2.5 lakh से ज़्यादा थी, या फिर फॉर एग्जांपल इनकम ज़्यादा थी, इनको बोल देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए, या फिर फॉर एग्जांपल इनकम का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो टर्नओवर का क्राइटेरिया भी चेक कीजिए, क्या इनका टर्नओवर किसी भी एक साल का any of those 3 preceding years 25 lakh से ज़्यादा। तो दो चीज़ याद कर लीजिए, इनकम 2.5 lakh, टर्नओवर 25 lakh से ज़्यादा था, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। तो मेनली अब इंडिविजुअल और HUF के लिए बारे में याद रखिएगा, बट हाँ, फॉर अदर असेसी, फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेस है या अदर प्रोफेशनल हैं, ये इंडिविजुअल HUF नहीं है, कोई और असेसी है, AOB BOF एक्सेट्रा है, तो उस केस में अगर इनकी इनकम 1.2 लाख से ऊपर जाएगी या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाएगा, तो पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में, करेक्ट, ऊपर जो नोटिफाइड प्रोफेशनल था, यहाँ पर हम 1.5, वहाँ पर हम सिर्फ 1.5 lakh ग्रॉस रिसिट्स देख रहे थे, एक तरीके से टर्नओवर देख रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑल 3 years था, यहाँ पर any 1 out of those 3 years है, ठीक है। और हाँ, अगर इनका पिछले 3 साल का पता नहीं चला, क्योंकि इनका नया बिजनेस है या नया प्रोफेशन है, उस केस में इफ देयर इनकम इज लाइकली टू एक्सीड 2.5 lakh, तो फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि इफ इट इज लाइकली टू एक्सीड इनकम 2.5 lakh या टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड 25 lakh एज द केस में भी, तो फिर इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। और जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन लेते हैं, जो हम 44AD 44ADA 44AE, उन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 44AB, टैक्स ऑडिट का, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें अगेन दो ग्रुप्स बनेंगे, सबसे पहले ऑल प्रोफेशंस का अलग। अब देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ नोटिफाइड प्रोफेशंस नहीं बोला है, मैंने बोला है यहाँ पर ऑल प्रोफेशंस का अलग ग्रुप बनाइएगा, अदर ऑल बिजनेसेस का अलग ग्रुप बनाइएगा, ठीक है। तो प्रोफेशंस के लिए सिंपल है, अगर इनका ग्रॉस एसेट्स 50 lakh से ऊपर जाती है
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इनको ऑडिट कराना जरूरी रहेगा। क्लियर हो गया? अगर इनकी ग्रॉस एसेट्स, मतलब ग्रॉस एसेट्स मतलब टर्नओवर, तो प्रोफेशनल का टर्नओवर 50 लाख से जैसे ऊपर जाएगा, इनको ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा। बिजनेसेस के लिए, बिजनेसेस के लिए डिपेंड करता है, यहाँ पर दो लिमिट है एक्चुअली, डिपेंड करता है कि इनकी मेजरली कैश ट्रांजेक्शन होती है या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, तो उसकी पैरामीटर क्या है, 5%। तो अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन, इनकी जो टोटल ट्रांजेक्शन होती है, जितने भी पैसे ये रिसीव करते हैं, पे करते हैं, अगर 5% से ज्यादा अगर इनकी कैश मेनली ट्रांजेक्शन होती है, तो इनके लिए लिमिट रखी गई है 1 करोड़। कि आप 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, 1 CR के ऊपर जैसे ही आपका टर्नओवर जाएगा, आपको ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा, राइट? बट अगर इनकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इनकी जो कैश ट्रांजेक्शन होती है वो बिल्कुल कम होती है, कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट बहुत कम है, माइनर है बिल्कुल, ठीक है, मिनिमम है, कितनी, 5% से ज्यादा नहीं होती, जितना भी इनकी ट्रांजेक्शन होती है, जितना भी इनकी रिसिट्स होती है, टोटल रिसिट्स को कंपेयर कीजिए कैश रिसिट्स से, अगर कैश रिसिट्स 5% से ज्यादा ना हो, जितनी भी पेमेंट करी है 5% से ज्यादा ना हो, तो उस केस में इनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर जाएगा, तब इनको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है। लॉजिकल भी है, क्योंकि मेजरली इनकी जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रांसपेरेंट है, बैंक के चैनल के थ्रू हो रही है, तो हमने इनको 10 करोड़ की लिमिट दे दी है, राइट? क्लियर हो गया? तो बाकी लोगों के लिए 1 करोड़ है, बट जिनकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, 5% वाली बात याद रखिएगा, तो 10 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। जो लोग 44AD लेते हैं उनके लिए 2 करोड़ की लिमिट होती है, वो अभी मैं 44AD में समझा लूंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाइएगा, जो प्रिजम्प्टिव इनकम के हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, ऑल्दो प्रिजम्प्टिव इनकम के और भी सेक्शंस हैं, बट दीज सेक्शंस आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, हमारे लिए 3 सेक्शंस हैं ये, और काफी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट इन दोनों सेक्शंस में तो अमेंडमेंट भी आई है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों सेक्शंस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहले एक एक करके समझते हैं, पहले 44AD पर ध्यान दीजिएगा, प्रिजम्प्टिव इनकम। ये सेक्शन ले सकते हैं रेसिडेंट असेसी, सिर्फ रेसिडेंट असेसी ले सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, या पार्टनरशिप फर्म है, अदर देन LLP भी नहीं ले सकते। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, आप ये सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें होता था कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज तक का है, तब आप ये सेक्शन ले सकते हैं। आज इसमें एक और लिमिट ऐड कर दी गई है 3 करोड़ की, 2 करोड़ की भी लिमिट है, साथ साथ में 3 करोड़ की भी लिमिट ऐड कर दी गई, दो लिमिट हो गई क्या? आंसर इज यस, बहुत इजी है याद करना इसको। 3 करोड़ की लिमिट उन लोगों के लिए कर दिया गया है जिनकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, जिनकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, उन लोगों के लिए 3 करोड़ कर दिया गया है, राइट? तो इसको मेजरली का वही क्राइटेरिया है 5% का, कि इनकी जितनी भी इनकी कैश रिसिट्स होती है, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड है तो हम यहाँ पर रिसिट्स देखेंगे, जितनी भी इनकी कैश रिसिट, जितनी भी इनकी रिसिट्स होती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम देखेंगे कितनी इसमें कैश से, बेयरर चेक से, क्रॉस चेक से, जो कैश के इक्विवेलेंट है उसमें हम देखेंगे कि कितना कैश रिसिट्स होती है इनकी। अगर वो अप टू 5% है, 5% से ऊपर नहीं है, तो हम इनके लिए बोलेंगे कि आपके लिए लिमिट 3 करोड़ है, बट हाँ अगर वो जो कैश रिसिट्स है 5% से ज्यादा है, तो इनके लिए लिमिट हो जाएगी 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 2 करोड़ आज भी लिमिट है, 3 करोड़ ऐड कर दिया गया है जिनकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, राइट? तो एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा असेसी प्रेजेंटेड स्कीम ले सकता है नहीं ले सकता, तो पता चला हाँ ले सकता है। दूसरी बात, अब इसकी इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाता है कि असेसी की इनकम, सॉरी टर्नओवर है 250 लाख, 2.5 करोड़, ठीक है, टर्नओवर है 2.5 करोड़, 250 लाख, तो क्या असेसी प्रेजेंटेड स्कीम ले सकता है नहीं ले सकता? मान लेते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो पता चला ले तो सकता है, बट क्या हमें 2 करोड़ की लिमिट देखनी है, 3 करोड़ की लिमिट देखनी है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 250 लाख में से इसकी कितनी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। पता चला लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 लाख रुपीज इसकी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, 248 लाख इसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, 250 की हमने पार्ट करे, पता चला कैश 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 250 करेंगे अगर आप, तो 5% से भी कम आने वाला है, यानी कि इसके लिए तो 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है, इसका मतलब ये प्रेजेंटेड स्कीम ले सकता है, ठीक है। अब इनकम कितनी निकालनी है, देखिए जितनी भी कैश रिसिट्स है उसका हम लेंगे 8% मिनिमम, 8% से ज्यादा ले सकता है एसएससी, बट 8% से कम नहीं ले सकता, ठीक है, उसका लेंगे हम मिनिमम 8%, और जितना नॉन कैश है मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू है उसका मिनिमम 6%, 6% से ऊपर तो एसएससी ले सकता है, उसकी इनकम तो अपनी ज्यादा बोल सकता है पर कम नहीं बोल सकता, अगर वो कम बोलेगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 44AD में किस किस कौन कौन लोग एप्लीकेबल नहीं है 44AD के लिए, ठीक है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स वाले होते हैं, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, उन लोगों के लिए 44AD है, तो इसलिए 44AD में वो नहीं आ सकते,
दूसरी बात, असेसी अर्निंग कमीशन या ब्रोकरेज इनकम वाले नहीं आ सकते, जिनका एजेंसी बिजनेस होता है वो लोग नहीं आ सकते, जिनके लिए 44AE बना हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले वो लोग इसमें नहीं आ सकते, और जो 10AA या फिर वो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो 80I सीरीज से लेकर 80RRB तक जाती है, अगर वो डिडक्शन आप लेते हैं तो आप ये 44AD की प्रेजेंट स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है। बट प्लीज याद करिएगा 3 करोड़ वाली बात इस साल एग्जाम में आ सकती है। ओके, 44AD यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। यहाँ पर पहले होता था कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक है, तो अगर आपकी जो ग्रॉस एसेट्स है 50 लाख रुपीस तक है तब आप यहाँ पर आ सकते थे। यहाँ पर भी अब 50 लाख भी है और एक और लिमिट कर दी 75 लाख और सेम कंसेप्ट है। अगर आपकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो 75 लाख आपकी लिमिट लेंगे, अगर आपकी वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा है 5% से ज्यादा है तो हम आपके लिए 50 लाख की लिमिट लेंगे, ठीक है। और हम आपकी कितनी इनकम बनाने वाले हैं 50% ऑफ योर ग्रॉस एसेट, 50% वहां पे था 8 और 6, यहाँ पर है पूरा का पूरा 50% ऑफ योर ग्रॉस एसेट, ठीक है। और फिर लास्ट सेक्शन हमारा प्रेजेंट स्कीम के लिए आता है 44AE, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ले सकती हैं, जो जिन लोगों का काम होता है फ्लाइंग हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज व्हीकल। मैक्सिमम अगर आपके पास 10 गुड्स व्हीकल हैं तब आप इस सेक्शन में ले सकते हैं, अगर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज्यादा हो गए तो आप 44AE की डिडक्शन से प्रेजेंटिव स्कीम नहीं ले सकते, करेक्ट। अब कितनी प्रेजम्प्टिव इनकम देखनी है, अब डिपेंड करता है आपके पास अगर हैवी गुड्स व्हीकल है। हैवी गुड्स व्हीकल वो गुड्स व्हीकल होता है जिसका जो व्हीकल वेट 12 टन से यानी कि 12,000 केजी से ज्यादा होता है, उसको हम हैवी गुड्स व्हीकल बोलते हैं। तो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ को आपको फुल मंथ ही लेना होता है, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर कोई व्हीकल फॉर एग्जाम्पल 16 टन का है तो 1,000 पर टन, तो उसकी हम प्रेजम्प्टिव इनकम कितनी लेंगे 16,000 पर मंथ, राइट। तो जब भी जितना भी आप ओन करते हैं, जितने भी पार्ट ऑफ द मंथ्स के लिए आप जितने भी मंथ्स के लिए नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ओन करते हैं, हम उसको 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 टन का अगर आपका व्हीकल तो 17,000, क्लियर है। बट अगर व्हीकल 12 टन से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, अदर व्हीकल के लिए फिक्स्ड है 7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच व्हीकल, ठीक है। तो ये लिमिट्स प्लीज़ याद कर लीजिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दिस वॉज PGBP। एक चीज और याद कर लीजिएगा एग्रीकल्चर इनकम के लिए, ये आपको परसेंटेजेस याद होनी चाहिए, अगेन एग्जामिनर का फेवरेट है, वो अक्सर ये चीजें पूछता है। अगर कोई असेसी पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस इनकम कर रहा है, जैसे कि अगर वो रबर को ग्रो भी करता है फिर रबर मैन्युफैक्चर वगैरह भी करता है, तो कितना हम परसेंट बिजनेस की तरफ लेंगे, कितना एग्रीकल्चर की तरफ लेंगे, दीज परसेंटेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रबर के लिए है, याद कर लीजिए, जो कम परसेंटेजेस है वो बिजनेस के लिए है, वो ज्यादा जो जाएगा मेजॉरिटी मेजर जो जाएगा वो एग्रीकल्चर के लिए जाएगा। देखिए जैसे 35% 65% 65% वाला ज्यादा अमाउंट है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा। सारे में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा वाला अमाउंट एग्रीकल्चर की तरफ होगा, कम वाला बिजनेस की तरफ होगा। तो रबर के लिए 35% 65%, टी के लिए 40% 60%, कॉफी के लिए अगर आप सिर्फ ग्रो और क्योर कर रहे हैं तो 25% 75%, बट साथ साथ में अगर आप अदर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, रोस्टेड और ग्राउंडेड कर रहे हैं, तो 40% बिजनेस के लिए 60% एग्रीकल्चर, राइट। सो दिस वॉज अ क्विक रिविजन फॉर PGBP। ये दोनों सेक्शन आप सी एंटर के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है, मैंने वहां पर लिखा हुआ है साहब सर, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक रिविजन फॉर PGBP फ्रॉम योर चार्ट बुक। मैं चाहूंगा कि आप ये चार्ट बुक आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी और चैप्टर के लिए भी अगर आपको इस तरह का क्विक रिविजन चाहिए तो, ठीक है, आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।